मैंने 26 जून को एकदम से मीटअप रख लिया इंडिया गेट पे, एंड काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगा बिकॉज मुझे काफ़ी समय लगेगा आने में, या फिर अगली बार सर रखना जब मैं आऊँगा। तो गाइज मैं बस देखने चला गया, शायद एक या दो स्टूडेंट तो आएंगे ही आएंगे। तो देखा कि 2-4 स्टूडेंट आए थे एंड उनसे मैंने क्वेश्चन आंसर किए, मतलब उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे एंड मैंने उन्हें आंसर किया। काफ़ी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड उनके डाउट्स थे वो क्लियर किए, एंड इतने दूर से जब जो सब्सक्राइबर आए मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज चाहे एक आए दो आए चार लोग आए, बट अच्छा लगता है जब भी आपके सब्सक्राइबर एकदम से अटेंडम आ जाए, बिकॉज मैंने 2 बजे दिन में डाला था और शाम को 6 बजे मुझे 6:30 बजे मिलना था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर पहले से बताना ताकि मैं आ सकूं। तो अगली बार हम लोग 1 हफ्ते पहले ही अनाउंस करेंगे ताकि जितने लोग चाहें उतने आ सकते हैं। इंडिया गेट पर हम लोग मीटअप रखेंगे या कहीं और भी रखेंगे, हर सिटी में मैं मीटअप रखने वाला हूँ क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो मैं वैसे भी ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। तो हर सिटी में मैं मीटअप रखूँगा धीमे धीमे, और जितने भी सब्सक्राइबर उस सिटी के हों वो आ सकते हैं मुझसे मिलने और अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। सो गाइस चलिए देखते हैं वो क्वेश्चंस कुछ जो लोगों ने मुझसे पूछे, एंड देन अगर आपके भी ऐसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। सो दोस्तों अभी मैं हूँ इंडिया गेट पे, एंड ये भाई लोग कुछ लोग मिलने आए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सादमान है, मैं दिल्ली से आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। अच्छा, अब बोलिए। मेरा नाम सादमान है, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से आया हूँ, मुस्तफाबाद से। भाई जी मेरा नाम रंजीत है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ आपसे। तो आप लोगों के मन में अगर कोई डाउट्स है रिलेटेड टू क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, पहले आप बताइए आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट किया अभी आपने? स्टार्ट तो मैंने अभी गूगल एड्स रन किए थे, मगर वो मेरे फेल हो गए उसमें। हाँ, मैंने 2000 के लगभग बजट जो है लगाया था, बट वो सक्सेस नहीं रहा। अच्छा जी, तो गूगल एड से स्टार्ट किया था जी। हाँ, अभी रिमार्केटिंग वगैरह के बारे में। ऑर्गेनिक मेथड ट्राई किया, फ्री वाले मेथड? नहीं, वो मेथड मैंने डायरेक्ट ट्राई। पहले फ्री वाले ट्राई करो क्योंकि उससे जैसे ही सेल आएगी आपने फिर उस बजट को लगाओ गूगल एड्स में, इससे क्या जल्दी चांसेस होंगे आने के। और फिर प्रैक्टिस भी करते रहो गूगल एड्स, इकट्ठा 2000 ना लगाओ, 100, 200, 300 रुपए से चालू करो बजट लगा के, पड़ेगा उस हिसाब से टेस्टिंग करते रहो। और भाई आप बताओ कोई डाउट? मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है। अच्छा, तो ये जो मीटअप है काफ़ी अटेंडम मैंने रख लिया था, आज ही मैंने पोस्ट किया था कि हम लोग मीटअप कर रहे हैं। तो कुछ ही लोग आए हैं, कुछ ही भाई लोग आए हैं, लेकिन ये लोग आए हैं इतनी दूर से तो इनको ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इन लोगों से जितने भी इनके डाउट हैं क्लियर करेंगे एंड इनको फिर भेजेंगे घर पे। तो डाउट बताओ और भी अगर आपके मन में डाउट हो। डाउट तो और एक और, ये मेरा भाई, ये मुझसे काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ है एंड इसको भी काफ़ी नॉलेज है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, स्टार्टिंग से जर्नी से जुड़े हैं। तो ये तीनों लोग अभी इस टाइम है मेरे साथ इंडिया गेट पे। डाउट तो हमारे बहुत सारे हैं, मगर हम बैठ के क्लियर करेंगे थोड़ा साइड में सारे डाउट एकदम से। हमें अभी थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है ना, थोड़ा तो कैमरे के आगे देता हूँ आपको, ठीक है? तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था जैसे कि अभी मतलब मैंने स्टार्ट किया है तो मतलब मुझे इसमें कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि कितना टाइम देना चाहिए इसमें, क्योंकि मैं तो इंटीग्रेटर भी कर रहा हूँ साथ ही साथ। तो देखिए काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि लगभग 4 घंटे तो स्टार्टिंग में आप दे ही दें, क्योंकि 4 घंटे आप अगर नहीं दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत तो आप सब निकाल, 4 घंटे मिनिमम देने पड़े स्टार्टिंग में। फिर जब एक बार आपकी सेल्स आने लगी फिर आप 1 या 2 घंटे देकर भी छोड़ सकते हो, और फिर तो आप जॉब भी छोड़ सकते हो अगर आपका इसमें इनकम अच्छी आने लगे जॉब से। लेकिन अभी मत छोड़ना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, सब कुछ छोड़ के स्टार्ट मत करो, साइड में करो, क्योंकि जब आपकी इतनी अर्निंग होने लगे फिर छोड़ो, ठीक है? ऐसा ही मैंने किया था, जब मेरी इनकम मेरी सैलरी से ज़्यादा हो गई तब मैंने जॉब छोड़ी थी, वरना क्या होगा, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो ऐसा मत करना, पहले फोकस करो जॉब पे भी करो साथ में एफिलिएट मार्केटिंग करो। सो गाइस जैसे कि आपने देखा काफ़ी मज़ा आया है लोगों से बात करके, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करके, एंड अगर आप भी ऐसे ही मुझसे मिलना चाहते हो तो वेट करना मेरे अगले मीटअप का, एंड लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इस टाइप के कॉन्टेंट के लिए। मेरा नाम है यश पांडे, एंड और भी आने वाले समय में हम लोग ऐसे मीटअप रखेंगे और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करेंगे फेस टू फेस लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।